अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए मुफ्त में, ताकि मज़ीद वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल उम्मीद है सब खैर होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके अगर सिम पर या मोबाइल में पक कोड लग जाता है, पक कोड किसे कहते हैं कि वो एक सिक्योरिटी कोड होता है सिम के ऊपर लगता है। सिम के ऊपर जो सिक्योरिटी कोड हम लगाते हैं कि कोई भी हमारा सिम से कोई कॉल ना कर सके किसी को, या हमारा नंबर ना चेक कर सके, इस तरह से होता है, उसको कहते हैं पक कोड। एक मोबाइल में सिक्योरिटी कोड होता है जिसे हम लोग कहते हैं, वो होता है एक पक कोड होता है। अगर वो आपका मिस्टेक से लग जाए तो उसको कैसे अनलॉक करना है, तो वो मैंने इस वीडियो में मुकम्मल तरीका बताया। मैं इसलिए हर वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको मुकम्मल गाइडेंस दे सकूँ और आपको समझ लग आ जाए, तो आपको ये वीडियो फेक नहीं, यानी कि आपको वो चीज़ फेक ना लगे। तो कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, भाई हमें कोड बता दें वैसे ही, तो मैं बताता हूँ। तो कई लोगों के मोबाइल में वर्क नहीं करता, या फिर वो कहते हैं भाई ये फेक है, आपने बताया ये वो, फिर इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ आ गई। तो ये टच मोबाइल में भी यही सिस्टम, अगर आपके पास टच मोबाइल है तो उसमें भी यही सिस्टम है, आपने उसमें भी यही कोड लगाना है। अगर आपके पास बटन वाला मोबाइल है तो उसमें भी यही सिस्टम है, आपने यही वर्क ऐसे मेथड के साथ अनलॉक कर लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक्सेप्टेड हो चुका है, और ये नोकिया जो है वो नोकिया का मोबाइल था, तो ये अनलॉक हो चुका है। तो इसके बाद आपने इसकी सेटिंग करनी है, जाकर वहाँ पर जाकर आपने वो कोड जो लगाया वो ऑफ़ करना है, ताकि जब मोबाइल आपका ऑफ हो ऑन हो तो वो आपको आपसे कोड ना मांगेगा। कोड मांगेगा आप बोल चुके होंगे, तो फिर मिस्टेक से अगर वो बोल गया आप, तो फिर वो कोड आपका जो है वो लग जाएगा। तो इसलिए आपने इसमें तरह सेटिंग में जाके इसको ऑफ़ कर लेना, ऑन होगा तो आपने इसको ऑफ़ कर लेना। तो ये ध्यान से वीडियो अगर आपको ने समझना है, तो इसकी ये चीज़ है कि है भी बहुत ही अच्छी कि आप अगर आपने पकौड़ लगाया हो तो कोई बंदा आपका मोबाइल तक यूज़ भी नहीं कर सकता, कॉल तो दूर की बात है, क्योंकि ये फ्रंटली जो है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ये शो हो जाता है कि वो आपकी सिम इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो अगर उसको पता होगा तो वो ऑन कर लेगा, जिसके लिए वो ये सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम डरते हैं कि यार हम पकौड़ क्यों लगाएँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपको लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आप न्यू पिन यहाँ पर एंटर कीजिएगा, और यहाँ पे ये देखिए इनको राइट आ गया। हम यहाँ पे जो सही हमने पक कोड लगाया था वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, इसी तरह आपने वो कोड एंटर करना, और आपका ये सेटिंग ऑफ हो जाएगी। इसके बाद जब मोबाइल ऑफ होगा, ऑन होगा तो आपको ये नहीं मांगेगा कि पक कोड लगाओ भाई, फिर हम ऑन करेंगे। तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको सबको पसंद आई होगी, तो आपको वो अच्छी भी लगी होगी। तो मैंने हर मैं वीडियो सपोर्ट के साथ यहाँ पे बनाता हूँ आप लोगों की रहनुमाई के लिए। तो अगर आप मेरे को ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें यार फ्री में।